गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईबीपीएस गाइड में। तो आज आपका डे नंबर 45 में डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न बेस्ड नंबर सीरीज एंड डीआई। नंबर सीरीज में ऑलरेडी आपको न्यू पैटर्न बेस्ड प्रीवियस वीडियो में कवर करवा चुका हूँ, उसी के कुछ और क्वेश्चन आपके लिए लेके हाजिर हूँ। डीआई भी है, आज इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा काफी टाइम से कमेंट सेक्शन देख रहा था कि वर्ड प्रॉब्लम अर्थमेटिक में आपको कह रहे हो कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन यानी एप्लीकेशन हम भी आपको कवर करवाए जाए, तो फाइनली आपका इसी में इंक्लूड करेंगे। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि तीन वीडियोस ऑलरेडी सिर्फ क्वांट क्वांट से आ रही हैं, तो अभी इतना पॉसिबल नहीं है कि उसके लिए एक स्पेशल अलग से सीरीज स्टार्ट की जाए, इसीलिए इस सीरीज में उसको इंक्लूड करेंगे। जैसे आज आपकी प्री की वीडियो थी ना, तो इसी में नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन सम के कंप्लीट आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके बाद मेंस की आपकी अलग वीडियो रहेगी जिसमें हम डीआई डिस्कस करते हैं। फिर आपके प्री में फिर से आपके एप्लीकेशन सम, इसके अलावा नंबर सीरीज, जो भी आपके टॉपिक्स होंगे उसको इंक्लूड करते चलेंगे। तो एक बार इसी में एडजस्ट करते हैं, जब आपका सफिशियंट टाइम हो गया यानी नोटिफिकेशन के आसपास आ गया, एसबीआईपीओ का नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद कंटिन्यूसली जैसे आपकी एक सीरीज चलेगी ना, वैसे स्पेशली हार्ड क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये भी थोड़े से हार्ड रहेंगे, ये प्री एग्जाम में मेनली टारगेट रहेगा, क्योंकि प्री एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक से, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करेंगे, इसीलिए अभी इसी में से इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब डाउट हो तो बताइए किसी को। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज मैं आपको ऑलरेडी पहले भी कवर करवा चुका हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास दो सीरीज हैं, सीरीज वन और टू। सीरीज वन एक कंप्लीट सीरीज है, वो आपका कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक पैटर्न फॉलो करेगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। वही पैटर्न आपको सीरीज टू में अप्लाई करके बताना है कि कंप्लीट सीरीज कैसी है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा एन नंबर ऑफ टर्म्स, एन प्लस वन टू थ्री, जैसे इसमें पूछ रखा है एन प्लस थर्ड। तो अब देखते हैं वन बाय वन, पहले सीरीज में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सीरीज आपकी 221, फिर आपके पास 238, फिर आपके पास 204, फिर आपके पास 255, फिर आपके पास 187 और फिर आपके पास 272। अब देखते हुए आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि यहाँ पे आपकी दो अल्टरनेट सीरीज बनेगी, 221, 204 और 187 की। बिल्कुल बन रही है, -17 की बन रही है, और इसी तरह 238, 255 और 272 की +17 की सीरीज बन रही है। ये अच्छी सीरीज है, कह सकते हैं कि पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत जब आएगी जब सेकंड सीरीज में इसको इंप्लीमेंट करोगे इस पैटर्न से, क्योंकि यहां पे आपको पता है 116 है, चलिए मान लिया हम 17-17 करके निकाल लोगे, लेकिन n माइनस n प्लस थर्ड कैसे निकाल पाओगे? दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसको हम इस सीरीज से नहीं करेंगे। ठीक है, इसका अल्टरनेट है, कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे देखिए, कितना इंक्रीज हो रहा है, +17 इंक्रीज हो रहा है, यानी +17, 238 से 204 जा रहा है। आपको ओरली दिखाई दे रहा है कितना, 34 डिग्रीज हो रहा है, तो 34, 204 से 255 सीधा आपको दिखाई दे रहा है +51। अब यहां पे देखिए 187 है, 187 का क्या हुआ, डिक्रीज होगा 55 और 13, 55 प्लस 13 कितना बनता है 68, यानी 68 क्या हुआ यहाँ पे, डिक्रीज हुआ, यानी 68। ठीक है, अब देखिए 187 से 272 कितना, 72 और 13 को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 85, यानी 85 इसका इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आपको पैटर्न पता लग गया, 17 दुनी 34, 17 तीन क्या 17 चौके 68, 17 पा 85, आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो सीरीज को स्टार्ट करते हैं, 116 है लास्ट का नंबर दे रखा आपको, कितना 82, और इसके बाद आपको n प्लस थर्ड पूछा, ये n टर्म है, इसके बाद आएगी n प्लस वन, उसके बाद आएगी n प्लस टू, और ये वाली टर्म आपसे पूछ रखी है n प्लस थर्ड, तो यानी ये वाली आपको टर्म फाइंड आउट करनी है। चलिए, पहले क्या किया था हमने, 17 को ऐड किया था, तो 116 में से 17 ऐड करोगे तो आप ओरली बता सकते हो कितना होगा, 116 प्लस 17 यानी 133, यानी नेक्स्ट टर्म आपकी आएगी 133। ठीक है, इसके बाद हमने 34 डिग्रीज किया था, तो यानी इसमें से 133 में से 34 गए तो कितना बचेगा 99, तो 99 यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसके बाद आपने क्या किया था कि 55 को ऐड किया, 51 को ऐड किया था, तो 99 प्लस 51, 99 प्लस 100, 100 प्लस 50 यानी 150, तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 150। उसके बाद क्या किया था, 68 आपने माइनस किया था, तो यहाँ से 68 माइनस करोगे तो आपकी बन जाएगी 82, क्योंकि 100 में से देखिए 150 में से 68 यानी आपके कितने बचेंगे, यहां से देखिए 68 माइनस करोगे तो 82 बचेंगे, क्लियर है। इसके बाद हमने क्या किया था, 85 को ऐड किया था, तो यहाँ पे 82 प्लस 85 कितना होगा, 5 2 7 और 8 8 16 यानी 167, तो 167। अब आपके दिक्कत ये कहां आ रही है कि आगे वाले आपको ऊपर नहीं निकाले, लेकिन आपको पता तो था ना पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 17 5 85 17 6 कितना होता है 102, यानी अब 102 घटाएंगे क्योंकि 85 ऐड किया था, यानी 102 को हम कर देंगे माइनस, तो 167 में 102 गए, तो यानी 67 में 2 गए 65 और 100 में से 100 गए 0, यानी 65 बच जाएगा आपका। ठीक है, यानी 65। इसके बाद क्या किया था, 17 ठीक है 102, 17 7 कितना होता है 119, यानी अब 119 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 9 5 14 एक कैरी 11 6 कितना हो गया 17 और 1 18, यानी 184 आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी n प्लस थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर है क्या? डाउट हो तो पूछिए कोई भी। इसके अलावा एग्जामिनर अगर आपसे पूछ लेता कि n माइनस टू बताइए, यानी n प्लस टू तो बता दिया, अब आपसे पूछ लेता n माइनस टू बताइए वो क्या है, तो ये n है, ये n माइनस वन हो जाएगी, ये n माइनस टू हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 99 n माइनस टू। तो बाद में कुछ भी पूछ सकता है, बस ये चीजें आपको सिंपल है पता होनी चाहिए कि n किसको कहते हैं, n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री। चलिए अब नेक्स्ट चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है आपको कि देखिए 458, 230, 61.5, 17.25, 12.15, 625। तो यहाँ पे आपको देखते ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता भी लग गया होगा कि यहाँ पे आपका कंटिन्यूसली नंबर डिक्रीज हो रहा है, एट द एंड पॉइंट में आ रहा है, तो हम कंफर्म है 100% कि डिवाइड का केस है। तो चलिए इस सीरीज को अलग से लिख देते हैं, 458, 230, 61.5, 17.25, यहाँ पे आपके पास 12.15625। अब देखिए 458 से 230 जा रहा है, तो 458 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो कितना बनता है, 2 × 4 = 29, 2 × 58, अगर उसमें से एक ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा आपका 230 बन जाएगा, यानी ये होगा डिवाइड बाय 2 और प्लस 1। अब 230 से 61.5, 230 से अगर मैं 61.5 कैलकुलेट करना चाहूं तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। यहां पे देखिए 61.5 की बात हो रही है ना, 230 का अगर मैं कहूं कि हाफ हो जाए, क्योंकि पहले डिवाइड 2 हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं मान के चलू कि चलो भाई डिवाइड हो रहा है 2 से, तो ये तो आपका 115 इसका हाफ होगा, और उसमें एक ऐड करूं तो 116 के राउंड आएगा, बट ये है 61.5, यानी ये है 230 है आपका 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, 4 से डिवाइड होगा 230 है, अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूं तो चेक कीजिए, 4 × 5 = 20, कितना 3, फिर कितना आएगा, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, यानी 57.5 आएगा, कितना आएगा आपका 57.5, और उसमें से अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो आपका बन जाएगा 61.5, यानी पैटर्न क्या हुआ, डिवाइड बाय 4 प्लस 4। अभी एक्चुअल में पैटर्न कुछ लग रहा है, लेकिन आगे तक इंप्लीमेंट करके देखते हैं, 61.5 है उसको 17.25 से, अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं 17 × 34 = 51, अब यहां तो देखिए आपको कह नहीं सकते कि आपका 4 से हो सकता है, 4 से तो आपका नहीं जा रहा, अगर 2 से हुआ फिर 4, इसका दुगना हो गया था ना 2 का 4, अब मैं कहूं कि 6 से डिवाइड करता हूं मैं, यानी 61.5 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो कितना बनेगा, 6 × 6 = 0, यहाँ पे 0, फिर आपका कितना आ जाएगा, 6 × 12, 6 × 5 = 20, यानी 10.25 आ जाएगा ना, और उसमें से अगर मैं 7 को ऐड कर दूं तो बन जाएगा आपका 17.25, यानी कि आप पे आपका किससे डिवाइड हुआ, 6 से डिवाइड हुआ, और कितना ऐड हुआ, यहाँ पे आपका ऐड कितना हुआ, प्लस 7 ऐड हुआ। तो अब कुछ पैटर्न लग रहा है कि आपको फॉलो लग रहा है ना, बिल्कुल, कैसे देखिए, स्टार्टिंग में 2 से डिवाइड हुआ, प्लस 1 ऐड किया, फिर आपका 4 से डिवाइड हुआ, कितना ऐड किया, 4 ऐड कर दिया, अब 6 से डिवाइड हुआ, कितना ऐड किया आपने, 6 से डिवाइड करके आपने कितना ऐड किया, यहाँ पे एट द एंड 7 ऐड किया, यानी यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस है 3 आ रहा है कंटिन्यूसली, यानी आगे आएगा 8 का डिवाइड और आपका कितना हो जाएगा, प्लस 11, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10 होगा क्योंकि 7 + 3 होते हैं 10। तो इस तरह से पैटर्न आपका फॉलो करेगा, ठीक है। देखिए डिवाइड के केस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल मान सकते हैं, क्योंकि डिवाइड के केस में कहीं प्रॉपरली अगर प्लस 1 प्लस 2 मिल जाए ना, वो दिक्कत क्रिएट कर देते हैं, अब हमें समझ नहीं आता कि एक्चुअली पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, क्योंकि 458 से 230 तो चलो हमने मान लिया किसके अराउंड हाफ है, अब 230 को 61.5 से कौन सोचेगा कि 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब ये पैटर्न हमें पता लग गया, ये हमें सीरीज 2 में इंप्लीमेंट करना है, तो 398 यानी 398 से स्टार्ट होती है और 12 पे एंड करती है, आपसे पूछा क्या एन की वैल्यू, यानी टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी सीरीज में। अब 398 से पहले हमने क्या किया था कि 2 से डिवाइड करो और 1 ऐड करो, तो 398 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना सा बनेगा इसका हाफ, यानी कि 199, और उसमें से 1 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा आपका 200, यानी नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 200। क्लियर है, नेक्स्ट नंबर हमें पता लगा 200। इसके बाद हमने क्या किया था कि 4 से आपको डिवाइड किया था, 4 ही ऐड किया था, तो 400 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, 50 बनेगा ना, 200 को 4 से डिवाइड करोगे तो 50 बनेगा, और उसमें से 4 ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा आपका, 54 बन जाएगा, तो यानी नेक्स्ट नंबर आ गया आपका 54। फिर 6 से डिवाइड किया और 7 ऐड कर दिया, 54 को 6 से कर दोगे तो 6 × 54 होता है 9, और प्लस 7 ऐड कर दोगे तो 16, तो यानी नेक्स्ट नंबर आ जाएगा आपका 16, ठीक है। इसके बाद क्या क्या था, 8 से डिवाइड और 10 ऐड, अगर 16 को 8 से डिवाइड करोगे 2, उसमें से 10 ऐड कर दोगे 12, तो यानी आपकी सीरीज बन गई। क्लियर है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछी थी 1, 2, 3, 4, 5, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 5, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, अब बताइए कोई डाउट हो तो।
डिवाइड के केस में थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपको डिवाइड में एक्चुअल में आपने डिवाइड के केसेस बहुत कम सोल्व किए हैं, आपने मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का कर रखा होगा मोस्ट ऑफ द। और डिवाइड के केस में प्रॉब्लम तब आती है कि अगर मान लीजिए डिवाइड हाफ हो रहा है, दो से हो रहा है, तीन से हो रहा है, तब तक तो काम चल ही जाता है आपका। दिक्कत कहाँ आती है, जब नंबर को ऐड करने में होती है। अगर हम सोच के चलते कि टू से डिवाइड है, आगे भी हम टू का पैटर्न लगाते, वो लग ही नहीं रहा, फोर का लगाते तो हम कौन सोच सकता है कि चार ऐड हो रहा होगा। तो ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, बाकी प्रैक्टिस करोगे चीजें धीरे धीरे अपने आप समझ आने लगी। तो एक बार सीरीज को अच्छे से पढ़ो कि एक्चुअल में आपके से क्या पूछा गया है, और फिर इसको सोल्व करो। साथ साथ ट्राई करते रहिए, क्योंकि देखिए खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, वो चीजें ज्यादा आपको इजीली समझ आती हैं। अब पैटर्न देखिए, 382, 416, 657, 511, 586, 692। अब नंबर ज्यादा नहीं जा रहे हैं, यानी डिफरेंस आपका इनका बीच में कम है। तो मैं नहीं कह सकते कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, हम कह सकते कि एडिशन का केस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 382, 416, 457, 511, 586 और एट द एंड कितना, 692। अब देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, 82 यानी 18 प्लस 16 कितना बनता है 34, यानी 34 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 1, यानी 41 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे चेक करोगे तो कितना है, 43 प्लस 11 कितना हो जाएगा 54, यानी 54 का हो रहा है। ठीक है, चलिए 6 में से 1 गया 5, 8 में से 1 गया 7, यानी कि 75 का हो रहा है। अब आगे चेक कीजिए, 12 में से 6 गए 6 और फिर 0 और फिर 1, यानी 106। अब यहाँ पे एक्जैक्टली ना ही कोई स्क्वायर है, ना ही कोई परफेक्ट क्यूब है, कुछ भी नहीं है, तो पैटर्न क्या होगा, डबल डिफरेंस चेक कर लेते हैं। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, इसके बीच कितना पैटर्न डिफरेंस आ रहा है, 7 का डिफरेंस आ रहा है, ओरली आपको दिखाई दे रहा है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 13 का आ रहा है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 में से 4 गए 1, यानी 21 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, 6 में से 5 गए 1, यानी 31 का डिफरेंस आ रहा है। अब भी किसी को समझ नहीं आया, तो चलिए फिर से चेक करते हैं डिफरेंस, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 10 31। अब तो आ गया होगा ना पैटर्न, एक और अल्टरनेट पैटर्न है, दोनों में आंसर सेम आएगा। 7 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7। 13 था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13। ठीक है, 21 था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 21। अब 31 था, इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 31। तो ये पैटर्न भी फॉलो कर सकता है। दोनों सीरीज में आपका आंसर कुछ गलत नहीं होगा, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। चलिए अब सीरीज सेकंड को ट्राई करते हैं। सीरीज सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, 543 से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट नंबर आपका 599 और लास्ट का है आपके पास 963 और आपसे पूछा क्या है, एन प्लस 1, यानी कि इससे नेक्स्ट वाली टर्म आपको बतानी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस चेक कीजिए कितना है, 99 और 43, 9 में से 3 गए 6 और यहाँ पे 5, यानी कितना डिफरेंस आ रहा है, 56 का डिफरेंस आ रहा है। 56 का डिफरेंस फिर यहाँ पे एज इट इज इसको लगा दीजिए, 56 प्लस 7 कितना होता है 63, यानी नेक्स्ट डिफरेंस कितना आएगा 63 का, तो इसमें से 63 ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। 9 प्लस 3 12, एक कैरी, 59, 9 6 15 और 116 एक कैरी हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 662। ठीक है, यानी 662। अब क्या किया था आपने, 13 ऐड किया था, तो 63 में 13 ऐड कीजिए। ठीक है, 63 में 13 ऐड करोगे, 63 प्लस 3 होते हैं 66 और 10 76, तो यानी 76 आ जाएगा यहाँ पे। अब इस डिफरेंस को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 6 2 8 और 66 प्लस 7 कितना बनेगा 73, यानी कि 738 हो जाएगा। अब इसके बाद आपने कितना ऐड किया था, 21 को ऐड किया था, तो यानी कि 76 में से 21 को ऐड कर दीजिए, 21 को ऐड करोगे 6 1 7 और 7 2 9, यानी 97। ठीक है, 97 ऐड करो, 738 में से 97 ऐड करोगे, 8 7 15 एक कैरी हो जाएगा, 9 3 12 1 13 एक कैरी, यानी 835 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 835 आ रहा है। अब यहाँ पे आपने कितना ऐड किया था, 21 के बाद कितना ऐड किया था, 31, तो 31 ऐड कर दीजिए, तो 31 ऐड करोगे, 7 1 8 9 3 12, यानी 128 का डिफरेंस आ रहा है। तो नेक्स्ट नंबर लाने के लिए आपको 128 ऐड कर दीजिए, 8 5 13 एक कैरी, 3 2 5 1 6 और 8 1 9, यानी नेक्स्ट टर्म आपकी 963 आएगी। इतना तो आपको पता लग गया, लेकिन आपसे पूछा था एन प्लस 1, यानी इससे नेक्स्ट टर्म वो कैसे निकालोगे। यहाँ पे देखिए डिफरेंस 10 आया था, फिर आपका डिफरेंस कितना आना था, 12 आना था ना, तो 31 प्लस 12 कितना होता है 43, यानी कि अब आपको यहाँ पे जो एक यहाँ पे था ना, इसमें 128 में से 43 ऐड कर दो, तो नेक्स्ट टर्म हमें पता लग जाएगी, डिफरेंस पता लग जाएगा, 8 3 11 एक कैरी, 12 4 16 1 17। ठीक है, यानी 171 ऐड कर दो आप 963 में, आपकी n प्लस 1 आ जाएगी। तो ऐड कीजिए, 3 1 4 7 6 13 एक कैरी, 9 10 11, यानी 1134 n प्लस 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। तो डबल डिफरेंस में तो इजी रहती हैं चीजें, सिंपल रहती हैं, सिर्फ एडिशन ही करना होता है। एक एग्जैक्ट पैटर्न पता करने के बाद तो आपको दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो यहां तक आई होप आप सब लोगों के डाउट क्लियर है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो अभी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि देखिए नंबर सीरीज है ना, इजी है,
पांच क्वेश्चन है, मैं कहूंगा कि आपके लिए कहीं ना कहीं बोनस रहता है प्री एग्जाम में, क्योंकि नंबर सीरीज में पैटर्न लिमिटेड पैटर्न है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस कर लोगे, अपनी स्पीड बन जाएगी, ऑटोमेटिक यहाँ पे माइंडसेट ऐसा बन जाता है प्रैक्टिस के बाद कि आपको लिमिटेड पैटर्न ऑटोमेटिक स्ट्राइक करते हैं कि आप देखते हो कि नंबर बड़े से स्टार्ट हुआ छोटा जा रहा है, डिवाइड का केस है, छोटे से स्टार्ट हुआ बड़ा जा रहा है मल्टीप्लीकेशन का केस है, डिफरेंस कम है एडिशन है। तो ये लिमिटेड चीजें हैं, आप इजिली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहा है कि 12, 7, 9, 21, 88, 7, 9। तो 12 है, नेक्स्ट नंबर है 7 है, फिर 9 है, फिर है आपके पास 21, फिर है आपके पास 88, फिर आपके पास 709। अब देखते ही कुछ आइडिया लगा, बिल्कुल, क्योंकि देखिए 12 से 7 हाफ गया है, यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे आपका 0.5 से मल्टीप्लाई है। क्यों कहा? क्योंकि आगे देखिए कंटिन्यूसली नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर है स्टार्टिंग का नंबर बड़ा है, जैसे 12 था, वो फिर हाफ हो गया यानी घट गया, यानी डिक्रीज हो गया, 7 हो गया, और फिर वही नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं सभी, उस केस में हमेशा मल्टीप्लीकेशन होती है, 0.5 से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर 12 से 7, अगर मैं 5 करूं, इसकी 0.5 से मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, 12 का हाफ यानी 6 प्लस 1 ऐड कर दो तो बन जाएगा पूरा 7। 7 से 9 की बात करूं, 7 एकम 7 प्लस 2 9, ठीक है। यहां से बात करूं 9 दूनी 18 प्लस 3 21, ठीक है, 21 चौके 84 होता है प्लस 4 88। अब 88 है, इसके 8 से करेंगे और इसमें से कितना ऐड कर देंगे, यहां से 5 ऐड कर देंगे। अब क्यों, जैसे मैंने क्यों कहा ये चीजें, क्योंकि देखिए 0.5 से दुगुना गया 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, अब यानी 8 होगा, क्लियर है। 1 2 3 4 तो आ ही रहा है, तो एट द एंड 5 ही आएगा, तो ये सीधा आप ओरली बता सकते हो, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ना ही पेन और पेपर का यहाँ पे आपको यूज करना था। अब सेकंड सीरीज है, इंप्लीमेंट कीजिए, 44 से स्टार्ट हो रहा है, एट द एंड आ रहा है 1733, और आपसे पूछा nth टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, टोटल फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो यानी पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किया, तो 44 का 0.5 से करेंगे, इसका हाफ 22, और उसमें से एक ऐड करा तो यानी 23। इसके बाद हमने क्या किया कि एक से मल्टीप्लाई किया, दो ऐड किया, 23 एकम 23 प्लस 2 25, तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 25। फिर आपने दो से मल्टीप्लाई किया, तीन ऐड किया, तो 25 दूनी 50 प्लस 3 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा आपका 53। इसके बाद क्या किया था, 4 से मल्टीप्लाई 4 ऐड, तो 53 चौके कितना होता है, इसका भी एक तरीका है, 53 की जगह 50 मानो, 50 चौके कितना होता है 200, ठीक है, 50 चौके कितना होता है 200, और 3 चौके कितना होता है 12, यानी 212 हो गया, और 212 में कितना ऐड करना था 4, यानी 216, तो आपका नेक्स्ट नंबर कितना आ गया 216। अब 216 को 8 से मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब देखिए यहाँ पे गलती मत करना, चीजों को समझना कि आप देखिए 200 को मान के चलिए यहाँ पे 200 है, 208 कितना होता है 1600, यानी इसके राउंड ही आ रहा है, तो यानी लास्ट टर्म यही है, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर क्यों, यहाँ पे यूनिट डिजिट भी चेक कर लीजिए, 8 और 6, 8 6 के कितना होता है 48, यानी यूनिट डिजिट 8 आएगी, उसमें मैं ऐड करना 5, 8 प्लस 5 13, यानी यही आपका लास्ट नंबर रहेगा, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछी थी आपसे एन, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कर देना। अब चलिए कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क भी रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका होमवर्क रहेगा, डेली की तरह आपके पास दो क्वेश्चन है, दोनों होमवर्क रहेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसको वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो, सबसे पहला काम यही है आपका, बाकी की वीडियो आप बाद में देख लेना, बट इसको ट्राई करते रहिए, क्योंकि पहले जो आपने 4 क्वेश्चन किए उसमें आपका माइंड सेट नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अगर आप आखिर में सोचते हो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके लिए कंफ्यूज हो सकता है, तो अभी आंसर कर दो, वीडियो को पॉज करो, इसके बाद आगे कंटिन्यू देख लेना। चलिए अब आपकी बात डीआई है, आज की डीआई है, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है और कुछ भी नहीं है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा, सिर्फ कैलकुलेशन का यूज हो रहा है, बेसिक चीजें हैं जो अगर आप थोड़ा बहुत भी, कम से कम एक महीना भी हो गया होगा ना आपको तैयारी करते हुए, तो भी आप इस डीआई को इजिली सोल्व कर लोगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक टेबल आपको गिवन है, टेबल में आपकी अलग अलग कंप्यूटर्स की लैंग्वेज गिवन है, जैसे कि जावा, पीएचपी, डॉट नेट, ओरेकल और पास्कल, ये अलग अलग जो आपकी कंप्यूटर की जो कह सकते हैं ना कि कोडिंग है, या फिर कह सकते हो कि कंप्यूटर का कोर्सेज है, तो इसमें यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट है, अलग अलग कॉलेज से पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि जावा से टोटल स्टूडेंट है 1450 पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से पी कॉलेज से 24% है, क्यू से 22% है, आर से 26% है, और एस से 28% है। तो यहाँ पे इनकी टोटल वैल्यू हमारे पास है 1450। अगर आपसे पूछता एग्जामिनर कि पी कॉलेज में कितने स्टूडेंट ने जावा में पार्टिसिपेट किया, तो आप 24% निकाल लीजिए 1450 का, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से कुछ आपके पास डेटा मेंशन किया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड फॉर द कोर्स ऑफ डॉट नेट एंड पास्कल फ्रॉम द कॉलेज पी एंड एस टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन फॉर द कोर्स ऑफ जावा एंड ओरेकल फ्रॉम द कॉलेज क्यू एंड आर।
सबसे पहले आपको डॉट नेट और पास्कल हैं जो पी और एस कॉलेज के स्टूडेंट है वो पता करने, यानी डॉट नेट में पी और एस के कितने ने पार्टिसिपेट किया, पास्कल के पी और एस में कितने ने पार्टिसिपेट किया, उन दोनों का सम करके हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है क्यू और आर के ओरेकल और जावा के स्टूडेंट के साथ। तो क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटिव, तो वन बाय वन सोल्व करते हैं। पहले हमें डॉट नेट की बात हुई है तो डॉट नेट है इसको सोल्व करते हैं। तो आप डॉट नेट में पी और एस के स्टूडेंट चेक कीजिए, तो डॉट नेट में आपने देखा पी के है 20% और एस के कितने हैं 25, 20 प्लस कितना होता है 25 यानी 45, तो आपको 45% निकाल लीजिए इसका, 45/100 कितने प्रतिशत डॉट नेट में कितने टोटल 5260 यानी 5260 का 45%, तो 5260 गुना 0 से 0 5 दूनी 10 5 नी में 45, 2 से करोगे यहां से 2 दूनी 4 1 यहां पे हो जाएगा 2 6 के 12 और 2 3 6 यानी यहां पे आपको 9 से 263 की गुना करनी है, तो 9 3 27 2 कैरी 9 6 के 54 54 और 2 कितना होता है 56 कितना कैरी हो जाएगा 5 कैरी हो जाएगा, 9 दूनी 18 5 23 यानी 2367 हो जाएंगे यहां पे डॉट नेट के स्टूडेंट पी और एस के। अब इसके अलावा किसके थे आपके नोट के अलावा पास्कल के भी थे तो उसको भी हम कवर कर लेंगे यहाँ पे। तो चलिए अब आप चेक कीजिए टेबल में कितने हैं पी और एस से, पी के है 18 और एस के कितने हैं 23%, ठीक है 18+23 कितना होता है 41, तो 41% निकाल लीजिए 4200 का, तो 41/100 गुना 4200 बस यही आपको कैलकुलेट करना है और लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको पता था सीधा आपको 41 और 42 की गुना करनी है। तो 41 दूनी कितना होता है पहले दो देखिए चीजें सिंपल है, 41 दूनी कितना होता है 84 होता है सॉरी 82 होता है आपको पता है, तो 82 यानी 2 रख दूंगा 8 कैरी हो जाएगा, 41 चौके 82 का दुगुना कर लीजिए यानी 164, 41 चौके होते हैं 164 प्लस 8 यानी 172 यानी 172 यहां पे पुट कर दूंगा। अब इन दोनों का सम कर लीजिए, ठीक है 7 2 9 6 2 8 7 3 10 1 कैरी तो यहां पे बन जाएगा 4089, ठीक है 4089 हमें पी और एस के डॉट नेट और पास्कल के स्टूडेंट पता लग गए। अब Q और R के भी निकालने पड़ेंगे इसी तरह, तो Q और R के भी निकालते हैं। Q में सबसे पहले जावा की बात हो रही है, तो जावा के स्टूडेंट है, जावा के यहाँ पे किस किस की बात हो रही थी Q और R की, तो Q में है 22 और R में कितने 26 यानी 22 प्लस 26 कितना होता है आपका 48 यानी आपको 48% निकालना है 1450 का, तो 48/100 ठीक है 48/100 गुना कितना हो जाएगा 1450। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट कीजिए 5 दूनी 10 5 से करोगे 5 दूनी 10 5 नहीं में 45 2 से करोगे 2 दूनी 4 2 चौके 8 जिसको टेबल याद है 30 तक उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। 24 की 29 से गुना करोगे यानी 24 की पहले 9 से करो 24 नहीं मां कितना होता है 216 तो 6 हो जाएगा 21 कैरी हो जाएगा फिर 24 है दूनी कितना होता है 24 दूनी 48 प्लस 21 यानी 48 प्लस 1 49 20 69 यानी 696 हो जाएगा क्लियर है। अब इसके बाद किसकी बात थी ओरेकल की इसको भी सोल्व करते हैं ओ आर ए सी एल ई यहाँ पे चेक कीजिए कि क्यू और आर के कितने स्टूडेंट है तो आपने देखा क्यू के कितने 27 है और आर के कितने 29 29 प्लस 27 ठीक है 29 और 27 का एडिशन करोगे बनते हैं 56% यानी 56% निकाला है 3500 का आपके पास तो 56 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा आपका कितने के निकालने 3500 के तो 3500 दो जीरो से यहाँ पे दो जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए ठीक है तो आपको 20 से 20 कैंसिल आउट कर दीजिए अब 56 और 35 की आपको गुना करनी पड़ेगी और ये देखिए ओरली किसी को याद नहीं रहता आप सभी को पता है कि 56 और 35 का टेबल किसी को याद नहीं है तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे ठीक है कोई बात नहीं ट्रेडिशनल मेथड से कर लीजिए एटलीस्ट जो भी कर रहे हो वो आप सही तो कर रहे हो ना तो यहाँ पे करोगे 5 छी का 30 3 कैरी 5 5 25 प्लस 3 28 ठीक है 3 छी के 18 1 कैरी 3 5 15 116 यानी 168 ऐड कीजिए अब इन सभी को 0 8 8 16 1 कैरी 6 2 8 1 9 यानी 1960 आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे 1960 मेंशन कर दीजिए। अब इन दोनों का ऐड कर लीजिए 6 9 6 15 एक कैरी 9 6 15 116 एक कैरी यानी 2656 ठीक है 2656 आ जाएगा। अब परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है तो 4089 डिवाइड बाई 2656 गुना 100। अब देखिए दिक्कत तो यहां भी आएगी क्योंकि इतनी बड़ी परसेंटेज है उसको कैलकुलेट कब कितना कर पाओगे तो सबसे पहले ऑप्शंस की तरफ जाया करो इस तरह की कंडीशंस में आप ऑप्शंस में देख रहे हो कि हर एक ऑप्शंस के बीच 15 से 20% का डिफरेंस है यानी हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मान के क्वेश्चंस को सोल्व बना सकते हैं। कैसे अगर मैं यहाँ पे 4089 इसको मैं क्या मान लू 4100 मान लू ठीक है इसको मैं मान लू 4100 नीचे वाले को 2656 है इसको मैं 2600 मान लेता हूँ या फिर आप 2700 मान लीजिए दोनों कंडीशन में कुछ ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा ठीक है। अब देखिए 20 से 20 कैंसिल आउट कर दीजिए अब 26 है यहाँ पे आपको पता है कि 26 एकम 26 जाएगा ठीक है ना 41 का 26 एकम 26 जाएगा यानी अराउंड आप देख सकते हो कि 150% के अराउंड आपका आंसर आएगा
ठीक है 150% के अराउंड आएगा। तो आपने देखा ऑप्शंस में सिर्फ 150% के अराउंड तो एक ही है ऑप्शन नंबर ए 155%। तो इस तरह से आपको स्मार्ट करके थोड़ी सी आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी, बाकी इसमें कुछ नहीं है। सॉरी यहाँ पे आपकी थोड़ी सी गलती होगी, क्योंकि इसको 2600 मानोगे ना तो ये 170 के राउंड आएगा, तो वह हो जाएगा आपका गलत। और ये 2700 मानेंगे क्योंकि आपका जो 56 था ना एट द एंड यहाँ पे कितना था 56 था, तो ये आपको 2700 मान के कर लीजिए, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू भी हमने घटा दी, यहाँ पे 89 था, अगर इसको हम ज्यादा करते तो यहाँ पे चल जाता, तो इसलिए इसको 2700 मान के कर लेना और आपका आंसर आएगा 155%। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड 7 है, इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल फॉर द कोर्स डॉट पीएसपी एंड पास्कल फ्रॉम द कॉलेज पी एंड क्यू टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इनरोल फॉर द कोर्स ओरेकल डॉट नेट फ्रॉम द कॉलेज आर एंड एस टुगेदर। तो यहाँ पे फिर से आपकी छोटी सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें, तो वन बाय वन है, इसको भी सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉट पीएचपी में, ठीक है, पी और क्यू की बात हो रही है पहले, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ डॉट पीएचपी। तो आपने टेबल में देखना है पीएचपी कहाँ पे ये रहा और किस किस कॉलेज की बात हो रही है पी और क्यू की, तो पी और क्यू यानी 30 प्लस 16 के 16 कितना 46%, यानी 46% निकालना 2950 का, तो 46/100 × 2950 ये आपको करना है। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 × 2 = 10, 5 से करोगे 5×5 = 25, 5×5 = 45, 2 से करोगे 3×2 = 46, यानी 23 और 59 की गुना करनी है। अब 23 की टेबल तो आपको याद होगी, 23×5 कितना होता है 207, यानी 7 यानी 20 कैरी हो जाएगा, 23×5 = 115, 115 + 20 यानी 135, यानी 135 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1357 बन जाएगा। डॉट पीएचपी आपका हो चुका है, अब इसके बाद किस किस की गाता पास्कल की, तो वो भी आपका यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेटिव है और इस टीआई में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि 18+27% आ रहे, पी और क्यू की बात हो रही है ना, तो 18+27 कितना होता है 45, तो 45% निकालिए 4200 का, तो वही 45/100 × 4200, और आपको पता है कि डिवाइड बाय 100 आएगा, 20 कट जाएंगे, तो सीधा 45 की 42 की गुना कीजिए, 45×2 कितना होता है 90, 0 नो कैरी, 45×4 कितना होता है 180, ठीक है। कैसे पता क्या 45×90 होता है, 90 का दुगुना कर दो 180 होता है, 180+9 यानी 189 यानी 1890 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को कर दीजिए सम, ठीक है, क्योंकि 1890 और ये दोनों एक साथ वैल्यूज आपकी होनी चाहिए ना, तो यानी 1890 और 1357 है, इन दोनों को यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे 7, 9, 5, 14 एक कैरी, 8, 3, 11, 1, 12 एक कैरी, यानी 4200 बन जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंस चेक करना था आर और एस के, ओरेकल और डॉट नेट के स्टूडेंट्स के साथ, तो उसी तरह आपको डॉट नेट का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकालते हैं किस किस कॉलेज की बात हो रही है, आर और एस की, डॉट नेट है, तो यहाँ पे 30+25 यानी कितना बनता है 30+25 होता है आपका 55%, ठीक है, क्लियर है ना, किस किस कॉलेज की बात हो रही है, आर और एस की, डॉट नेट की पूछ रहा था ना, तो डॉट नेट में कितना 30+25 है यहाँ पे, तो यानी आपको 55% निकाल लीजिए, ठीक है। 55% किसका निकालोगे 5260 का, तो यहीं फिर से वही वाली वैल्यू मेंशन कर दीजिए 55/100 × 5260। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 से करोगे 5×2 = 10, 11, 2 से करोगे 2×2 = 4, 1, 5, 1, 2, 6, 12, 2, 3, 6। अब 263 की 11 से दिक्कत नहीं होगी मल्टीप्लाई करने में, 11 से कीजिए 11×3 = 33, 3 कैरी हो जाएगा, 11×6 = 66 और 3×69 = 6 कैरी, ठीक है, 11×22 = 28, यानी 2893 हो जाएगा। अब नेक्स्ट कितना कितना था आपका, और एकल भी तो था ना, इसको भी तो सोल्व कीजिए, इसका सम और कीजिए। अब आपको क्यू और आर, आर और एस का निकालना है, तो 29+21 आपको कितना होता है, 29+21 होता है 50%, यानी आप 3500 का 50%, यानी इसका हाफ कर दीजिए, 3500 का हाफ यानी 3400 का हाफ होता है 1700, 2500 का हाफ होता था 50, यानी 1750, इसमें से आप सीधा 1750 ऐड कर दीजिए, तो 3, 9, 5, 14 एक कैरी, 8, 8, 16 हो जाएगा एक कैरी, 2, 1, 3, 1, 4 यानी 4643, यानी 4643 हो जाएगा। इनका डिफरेंस चेक करना था, तो यानी इसका पहले कितना आया था 3247, तो इसमें से माइनस कर दी, तो 3247 इसमें से आप माइनस कर दीजिए। यहाँ पे 13 में से देखिए यहाँ पे कितना है 3 है ना, तो 13 में से 7 गए तो कितना बच जाएगा आपका, यहाँ पे 6 बच जाएगा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 9 और फिर हो जाएगा 13, ठीक है, यानी 1396 आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए ये देखिए सिंपल है, इसमें कोई भी चीज ऐसी यूज नहीं हो रही जो आपको बताने लायक हो। अगर आपके एक महीने भी हो गए ना आपको तैयारी करते हुए, अगर वन मंथ के अराउंड हो गए प्रिपरेशन करते हुए बैंक एग्जाम की, तो आप ये भी आप सोल्व कर सकते हो, बस डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन स्पीड पे। अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप इजिली इसको विद इन सेकंड कवर कर सकते हो, सेकंड तो नहीं करेंगे क्योंकि मिनट्स में हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि कैलकुलेशन है। और अगर ऐसे टर्म्स भी नहीं यूज हो रही जिसके आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे अगर आपसे पूछ लेते 16 × 2/3%, तो आप सीधा कह सकते हो 1/6 होगा, 1/6 आप सीधा डिवाइड करके कोई भी नंबर है सोल्व कर सकते हो। दिक्कत है नंबर्स
परसेंटेज की जो फ्रैक्शंस वैल्यू होते हैं वो तो पता होनी चाहिए, बट यहाँ पे वो यूज नहीं हो रही, इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव कहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को खुद से ट्राई करो, कोई भी क्वेश्चन होना तो साथ साथ ट्राई कीजिए, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं, गलत हो रहा है एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया है ना, तो कोशिश करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड फॉर द कोर्स जावा एंड पास्कल इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द लेस देन द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इनरोल्ड फॉर द कोर्स पीएचपी और ओरेकल। यहाँ पे इनके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आपको यहाँ पे कह सकते हैं परसेंटेज कैलकुलेट करना, पहले जावा और पास्कल। जावा कितना है 1450, पास्कल कितना है यहाँ पे देख रहे 4200, तो यहाँ पे ऐड कीजिए 4200 और 1450, ऐड करोगे कितना बनेगा यहाँ पे 50, यानी कि देखिए पहले 4214 को ऐड कर लीजिए, ठीक है, 4214 को ऐड करोगे 56, यानी 5650 हो जाएगा। तो वो हमें पता लग गया कितना बना आपका 5650। पीएचपी और ओरेकल, पीएचपी के कितने 2950 और ओरेकल के कितने 3500, पहले 29 और 35 को ऐड कीजिए, 29 और 35 होते 64, यानी 6450, तो 6450। अब देखिए आपको क्या कहा था कितने प्रतिशत कम है, लेस देन है, ये तो आपको पता है लेस देन है, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस चेक कीजिए, 50 में से 50 गए 0 बचेंगे, 64 में से 56 गए तो कितने बचते हैं आपके यहाँ पे 8, यानी 800 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 800 कम है कितने से 6450 से। अब परसेंटेज कैलकुलेट करना गुना, सो जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, पांच छह करोगे इसको, देखिए पांच एकम पांच, पांच दूनी दस, पांच नहीं में 45, तो पांच दूनी दस, यानी 800 दूनी 1600, 1600 को डिवाइड करना 129 से। अब परसेंटेज को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कैलकुलेट करने में, ये आपको पता है 1600 है, पहले किससे जाएगा 160 है, एक से जाएगा, पता है 160 है, 129 से ही जाएगा फर्स्ट, यानी एक से जाएगा। आपने टेबल में चेक किया लेस था, ये तो कंफर्म था, ठीक है, लेस देन में सिर्फ एक ये केस है, एक ये केस है, एक ये केस है, तीन केस है, ये 4% है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है एक 4% तो होगा नहीं। 35 पहले यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, 1 किस में है 12% लेस में, तो सीधा उसी को टिक कर दो, आगे तक सोल्व करने की जरूरत नहीं है, दिक्कत हो तो आगे सोल्व कर लीजिए। चलिए मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से समझा देता हूं, 129 को जब डिवाइड करोगे 129 से कम 129, पीछे कितना बच जाएगा 31, तो ये 310, अभी आपको पता है कि अराउंड 2 से ही जाएगा क्योंकि इसका दुगना कितना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर देखिए 3 की बात करें तो आपको पता है 12 ये 36 हो जाएगा, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी अराउंड 12% ही आएगा, ठीक है, तो आप सीधा बी को टिक कर सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपको, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इनरोल फॉर द ऑल द गिवन कोर्सेज फ्रॉम कॉलेज बी, तो कॉलेज बी से सभी कोर्सेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे वो आपको बताने हैं, तो यानी फिर से आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है, तो चलिए वन बाय वन इसको सोल्व करते हैं। पहले कॉलेज में यहाँ पे देखिए जावा की बात करते हैं, कॉलेज बी से 24% स्टूडेंट है, यानी 24% कैलकुलेट कर लीजिए किसका 1450 का, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 24% आपको बताना है, 24 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1450 यानी 1450, जीरो से जीरो, पांच से करोगे पांच दूनी दस, पांच दूनी दस, पांच नहीं में 45, दो से करोगे 12, यानी 12 और 29 की गुना करनी है आपको, तो यहाँ से 12 नीमा कितना होता है, टेबल आपको याद होनी चाहिए, 12 नीमा होता है 108, यानी कितना कह रही हो जाएगा 10, 12 दूनी 24 और 10 कितना होता है 34, यानी 348। अब नेक्स्ट कौन सा था आपका पीएचपी, पीएचपी में 30% है, 30% है, देखिए 30% निकाल, ओरली भी सोल्व कर सकते थे इसको, तो 30% ऑफ कितना है आपका 2950 है ना, तो 2950 यानी 3/10, यानी एक जीरो काट देते और 295 की सीधी आप 3 से गुना कर सकते थे, 0000, ठीक है, 3 से करोगे 3 5 15, कितना कैरी 1 कैरी, 3 नीमा 27 और 1 28, कितना कैरी 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी 885 बन जाता, क्लियर है। अब नेक्स्ट यानी कि 5260 का 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, 1/5 है, आपको किसका बताना है, आपको 5260 का बताना, यानी 5 से डिवाइड कर दो, 5 एक 5 0, 5 5 25, 5 दूनी 10, यानी 1052, तो यहां से बन जाएगा आपका 1052। नेक्स्ट में क्या है आपका 3500 है, 23%, 23% बताना है 3500 का, आपको पता है कि 3500 के दो जीरो कट जाएंगी, यानी सीधी आपको 35 गुना 23 करना है, ठीक है, क्योंकि 3500 आपको पता है उसका 23% करोगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको डिवाइड बाय 100 करना है, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, यानी 23 के आपको सीधा गुना करनी है 35 से। अब 23 का टेबल आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, 23 पांच कितना होता है 115, तो कितना कैरी हो जाएगा आपका 11 कैरी हो जाएगा, 23 69 69 और 11 कितना होता है 80 होता है, यानी 80 ऐड कर दीजिए आप, यानी 805 हो जाएगा, क्लियर है, इतना इतना क्लियर है ना आपका। अब देखिए लास्ट आपका क्या बच जाता है, यहाँ पे पास्कल का 18% 4200 का, वही सेम केस है, 4200 है ना आपका, इसका 18% आपको पता है डिवाइड बाय 100 करोगे दो जीरो कट जाएंगी, यानी 18 की टेबल याद होगी ना, 18 दुनी 36, कितना कह रही 3, 18 चौके कितना होता है आपका 72 और फिर 3 हो जाएगा 75, यानी 75। अब आप कर दीजिए इनको सभी को ऐड,
ठीक है, इन सभी को ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद जो सम आएगा वो आपका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे इसका एडिशन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ये तो आपका बेसिक है, ठीक है। चलिए 3846 आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये चीजें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट करती हैं, ठीक है। ये चीजें आपका टाइम वेस्ट करती हैं और कुछ भी नहीं है, ये कैलकुलेशन है, इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं जो आपको बताने लायक हो। आप एलकेजी क्लास से बढ़ते आ रहे हो, जोड़ गुना भाग सब चीजें, तो ये खुद से प्रैक्टिस करो। और मैं सबसे आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, कभी भी देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की गलती कहां होती है कि इधर उधर से मतलब वीडियोज को सबसे ज्यादा देखते हैं। एक ही पर्टिकुलर किसी भी चीज को फॉलो कीजिए, ठीक है, एक ही चीज को फॉलो कीजिए, बट जो भी करो ना उसको अच्छे से करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बैंक एग्जाम में प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा की है सक्सेस की, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस है आपका लिमिटेड सिलेबस है। एक बार अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर ले, एक बार आपके अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, फिर प्रैक्टिस ही जो मेन इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि प्रैक्टिस ही आपको सक्सेस दिला पाएगी, क्योंकि आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कि आपको सिलेबस एसएससी में, देखिए एसएससी में आपको पता है मैं बार बार बताता हूँ, सिलेबस लिमिटेड नहीं है, अर्थमेटिक है प्लस एडवांस है, दोनों चीजें हैं आपकी यहाँ पे। लेकिन बैंक में क्या है, सिर्फ अर्थमेटिक है, और अर्थमेटिक भी लिमिटेड है, ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपसे घुमा फिरा के पूछा जाता हो, सिंपल है, कंसेप्ट क्लियर हो गए एग्जाम इजीली हो जाएगा। तो एक बार अभी टाइम है ना, ही एसबीआईपीओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, आप एक बार सबसे पहले अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो। अगर बेसिक्स आपने क्लियर कर लिए ना, इसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, यानी सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते रहिए। सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाने का एक तरीका है, पूरे टेस्ट को लगाने से पहले अगर आप बिगिनर हो, पहले सेक्शनल टेस्ट की तरफ जाइए, सेक्शनल टेस्ट में जाइए और डेली बेसिस पे अपनी चीजों को देखिए कि हाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। क्वांट का लगा रहे हो ना, तो क्वांट का आपका 20 मिनट में 35 क्वेश्चन लगा रहे हो, तो आप सबसे पहले अपना एक माइंडसेट पहले बना लीजिए कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीन टॉपिक्स को सबसे पहले करोगे, यानी सबसे पहले इनको कवर करोगे। इन टॉपिक्स में से 15 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो उनको टारगेट बनाओ कि 7 से 8 मिनट में आप कर लो। और ये ऐसे नहीं है कि पॉसिबल ना हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, 7 से 8 मिनट में हो जाएंगे। बचे हुए अगर आपके पास 8 मिनट भी लगाते हो तो 12 मिनट पीछे बच जाती है, अगर 12 मिनट में 15 क्वेश्चन भी इजिली बना लेते हो, जिसमें आपकी डीआई इंक्लूड है, वर्ड प्रॉब्लम इंक्लूड है, तो उसके अंदर आप 30 प्लस इजिली अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वांट की बात कर रहा हूं मैं, और जो एक अच्छा खासा स्कोर है आपका क्वांट में, ठीक है। तो मेन टारगेट रहेगा कि आपकी कैलकुलेशन बढ़ाओ, कैलकुलेशन ही इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेशन है, नंबर सीरीज में भी कैलकुलेशन है, क्योंकि जोड़ घटा गुना भाग उसी में है और कुछ नहीं है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पता है कि मैंने आपको समझाया था बेसिक क्लास में, सिर्फ कैलकुलेशन ही थी, स्क्वायर क्यूब ये सारी चीजें उसमें भी यूज हो रही थी। तो सबसे पहले टारगेट रखो कि 15 क्वेश्चन को 7 से 8 मिनट में कैसे इंप्रूव कर पाए। क्वीज लगाओ डेली बेसिस पे, प्रैक्टिस करो, सबसे ज्यादा है एक बार आपको पता लगे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में क्या है जो आपको समझाने लायक हो। आपको पता है गुना करनी है, जोड़ करना है, तो उसमें आपको वीडियोस देखने की जरूरत क्या है, उसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। नंबर सीरीज है, एक बार आपने देख लिया कि रोंग नंबर सीरीज इस तरह से आती है, मिसिंग इस तरह से आती है, यानी अर्थ जियो का कॉम्बिनेशन, टाइप ऑफ नंबर सीरीज आपको पता लग गया, लिमिटेड पैटर्न है वो आपने एक बार देख लिया किसी भी पर्टिकुलर वीडियो से, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आपको जरूरी थोड़ी है कि बार बार उसी चीज को आप बार बार देखो, आप फिर प्रैक्टिस करो, आप कंटेंट देखो, वेबसाइट पे विजिट करो, प्रैक्टिस लगाओ, आपकी प्रैक्टिस ही आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट करेगी। एक आप वीडियो देख रहे हो कि दो दो घंटे की वीडियो में सिर्फ आप 20 क्वेश्चंस कवर कर रहे हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। मैं जो सही बात है वही बताऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे चैनल की वीडियोस देखिए। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस पे फोकस करो, वीडियोस पे भी फोकस करो, जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं उनको देख लो, पुरानी चीजों को बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप दूसरे चैनल पे विजिट कर रहे हो, बार बार देख रहे हो, वही ऐड जोड़ घटा गुना भाग हो रहा है, तो आप अपना एक घंटे में अगर 5 क्वेश्चन वहां से कवर हो रहे हैं तो आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। उस एक घंटे में आप बुक से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते थे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की बात, चाहे नंबर सीरीज हो, यानी एक घंटे में 5 क्वेश्चन कर रहे हो, एक घंटे में 50 क्वेश्चन, वहां पे आपका माइंड कम वर्क करेगा, यहां पे ज्यादा करेगा, क्योंकि वीडियो में जो वहां पे टीचर है पर्टिकुलर वो आपको एक्सप्लेन करेगा, इस 50 क्वेश्चन को खुद सोल्व करोगे अपना खुद का दिमाग खर्च करके। तो रियल जो चीज है वो मैं आपको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा फोकस कर लो, जो चीजें सही है वो बताई जाएंगी, यहां पे कोई भी पर्टिकुलर चीज का प्रमोशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सक्सेस से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां पे सिंपल सी बात है कि जिस चीज से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा हो ना, वो चीजों को ऊपर आप मत जाना, प्रैक्टिस करो, बुक से करो, मॉक टेस्ट से करो, कहीं से भी करो। अगर आप 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं बैंक एग्जाम की तैयारी करते हुए और आपके बेसिक्स क्लियर हैं,
ठीक है, यानी 3 मंथ्स हो गए हैं आपको तैयारी करते हुए, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, यानी आपको पता है कि परसेंटेज में क्या क्या यूज हो रहा है, किस मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन इंप्लीमेंट हो रहे हैं, अगर सारी चीजें आपको पता है ना, तो फिर सिर्फ आपको एक ही चीज चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट से, बुक से, कहीं से भी लगाओ, फिर आपको फालतू में अपना टाइम है यूट्यूब पे वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। क्योंकि यूट्यूब पे अगर एक सर्वे के अकॉर्डिंग, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक सर्वे के अकॉर्डिंग यूट्यूब के, कि एक पर्सन कोई भी एक वीडियो देखने आता है ना, वो 7 वीडियो देख के जाता है। ऐसे 70% पर्सन है, जो इंडिया की बात नहीं कि ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है, कि एक पर्सन अगर कोई भी एक वीडियो देखने आता है, जैसे मेरे को सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की वीडियो देखना चाहता हूं, तो मैं यहां पे आता हूं तो मैं 7 एक्स्ट्रा वीडियो देख के जाता हूं, ये 70% सर्वे है। और 30% सर्वे के अकॉर्डिंग है कि अगर मैं एक वीडियो देखने आता हूं तो वहां से मैं 15 वीडियोस देख के जाता हूं। ये यूट्यूब का ऐसा एल्गोरिथम बना रखा है कि आप वहां पे अपना टाइम वेस्ट करते हो। यहां पे इंस्टाग्राम पे भी यही चीजें हैं, आप जाते हो सिर्फ 2 मिनट के लिए, और कितना टाइम वेस्ट करके आते हो, बहुत ज्यादा। फेसबुक पे आप जाते हो सिर्फ 2 मिनट के मैसेज व्हाट्सएप चेक करने के लिए, तो आप कितना टाइम वेस्ट करके आते हो, पता नहीं, खुद ही को नहीं पता। तो यही चीजें हैं कि मैं जो रियल बात है ना, वही आपको सजेस्ट करूंगा, फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसलिए मैं कहूंगा, अगर 3 महीने हो चुके हैं तो जम के प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही सक्सेस दिला पाएगी बैंक एग्जाम में। यहाँ पे एसएससी नहीं है कि आपके पास सिलेबस ज्यादा है, बैंक है, सिलेबस कम है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा चाहिएगी। और स्मार्ट वर्क अपने आप से इंप्लीमेंट करो चीजों को, शॉर्ट ट्रिक पे मत जाओ। बार बार कहता हूं, मेंस में फंसोगे, प्री निकल जाएगा, मेंस में फंसोगे, अगर मेंस में निकल गए एक अटेम्प्ट भी खराब हो जाएगा, फालतू में कहीं ना कहीं आपको खुद को ये स्ट्रेस फील होगा कि डिमोटिवेट हो गए कि मेरा मेंस नहीं हो पाया। तो पहले से अपने आप को मेंस के लिए प्रिपेयर करो, जो भी गलतियां हैं अभी से सुधारने स्टार्ट कर दो, टाइम काफी है। करंट अफेयर को अभी स्किप मत करना, ये सोच रहे हो ना कि करंट अफेयर मेंस के प्री के बाद मेंस की तैयारी के लिए कर लेंगे, 1 महीने का टाइम होता है, 1 मंथ में आपको रीजनिंग का इनपुट आउटपुट जो मेंस का कंटेंट होता है वो भी करना होता है, क्वांट का भी थोड़ा हाई लेवल का करना होता है, बैंकिंग अवेयरनेस भी करनी होती है, स्टैटिक जीके भी फोकस करना होता है, तो सारी चीजें 1 महीने में पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो करंट अफेयर को अभी से साथ लेके चलो, और मैं तो कहूंगा कि अभी से आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो, प्री को तो आप भूल ही जाओ कि प्री आपको क्लियर करना, आप मेंस के लिए जाओ, प्री में मॉक टेस्ट देते रहो, आपको पता लगते रहेगा कि आपकी गलती कहाँ है। लेकिन कंटेंट है हाई लेवल का, करो क्वेश्चंस की अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करो, कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वेबसाइट पे डेली क्विज मिल रही है, और कोई भी चार्जेस आपको नहीं लिया जा रहा आपसे, ठीक है। चीजों को एनालाइज करो, हर एक चीज जो रियल चीजें है ना वही आपके साथ शेयर करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ रूमर फैलाएं कि आप हमारी वीडियो देखो, डेली बेसिस पे देखो, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मैं यहाँ पे आपके पास 40 मिनट की वीडियो में मैं आपको सिर्फ कम से कम 8 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पाया हूँ, ठीक है। आपको भी पता है मैं जो सही है वही बताऊंगा आपको। अगर यही बात मैं अगर आपको कहूं कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, बेसिक्स क्लियर है, तो आप यही 40 मिनट में कम से कम भी अपने एवरेज 30 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते, कहां 8 क्वेश्चन, कहां 30 क्वेश्चन, आप खुद देखो ना। सिलेक्शन लेना आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क तो करना पड़ेगा, अपनी खुद सी स्ट्रेटजी बनाओ, कभी भी दूसरे की स्ट्रेटजी फॉलो मत करो, क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है, आपके द्वारा नहीं। तो अपने अकॉर्डिंग आपको अपने आप से बेहतर कोई नहीं जानता, और इसीलिए कहता हूं कि अपने तरीके से तैयारी करो, किसी की चीजें पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि उसने बैंक क्लियर किया है, उसको पता होगा कि कैसे तैयारी होती है, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस लो, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस लो, जरूरी नहीं कि उसी की स्ट्रेटजी फॉलो करो। वो 8 घंटे पढ़ता था तो आप 8 घंटे पढ़ो, वो 10 घंटे पढ़ता था तो आप 10 घंटे पढ़ो, उसने रीजनिंग इतने घंटे किया मैं भी इतने घंटे करूंगा, वो उसके अकॉर्डिंग था, उसको पता था कि उसकी तैयारी रीजनिंग में वीक है तो इसलिए वो ज्यादा टाइम देता था। आपको क्या पता है कि आपका स्ट्रॉन्गर पोर्शन कौन सा है और वीकर कौन सा है, वीकर को इंप्रूव करो, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो चीजों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। मैंने काफी टाइम से देख रहा हूं कि ईमेल्स पे भी ये चीजें पूछी जा रही हैं कि आप स्ट्रेटजी बताइए, ये अपने अकॉर्डिंग करो, अपना जो वीकर सेक्शन है उसको पता करो, आप रीजनिंग में वीक हो, इंग्लिश में हो, क्वांट में हो, और उसके ऊपर टाइम लगाओ। जो भी एजुकेटर है, टीचर है, उसके से आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करो, उसके फोन नंबर ले लो, चाहे यहाँ पे हो या पे कहीं पे भी हो, जो जिनको अच्छे से पता है उनसे पूछो कि मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं इसको कैसे इंप्रूव कर पाऊं, उनके आइडियाज लो कि कैसे इनको इंप्रूव करूं। अपने आप को 5 दिन 10 दिन उस आइडिया से लगा के देखो इंप्रूव हो रहा है क्या, हो रहा है तो थोड़ा सा और मेहनत करो, और जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा तो कुछ अलग ट्राई करो। अपना टारगेट चेंज नहीं करना, टारगेट नहीं रास्ते बदलने की, बार बार इसको उससे नहीं हो रहा तो मैं अलग ट्राई करता हूं, ठीक है, तभी सक्सेस मिल पाएगी। बैंक एग्जाम में कंपटीशन है लेकिन इतना भी नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत ज्यादा है। अगर 25 लाख बच्चे बैठते हैं ना, उसमें से 50,000 भी ऐसे नहीं है जो रियल में तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, क्योंकि वो सिर्फ यही है फालतू में, चलो भाई चलते हैं कोचिंग तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन होगी, बैंक की देनी है, एसएससी देनी है। आप एक एग्जाम पे फोकस कर रहे हो, बट उसको 100% दो, कोई भी चीज है उसको 100% दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस दुनिया में कुछ भी ना हो।
कहते हैं आईएएस का जो आईएएस आईपीएस यानी यूपीएससी का एग्जाम होता है उसका जो परसेंटेज होता है ना कि 0.12 इसका होता है कि सक्सेस रेट ऐसा होता है, यानी कि कह सकते हैं कि 500 या 1000 बच्चों में से एक ही सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीजें देखिए उनके लिए हैं जो तैयारी नहीं करते। ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो सिर्फ एग्जाम देने के लिए ही आते हैं और कुछ नहीं, उनकी तैयारी नहीं है, और जिनकी कुछ बच्चों की तैयारी है लेकिन उनका स्मार्ट वर्क नहीं है। ठीक है, तो हर चीज आपको अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। हम अपने आप से पूरी हेल्प करते हैं, चाहते हैं कि आपकी हेल्प की जाए और जो रियल हो, फालतू के रूमर्स फैला के नहीं कि आपको ये करो, हमारी वीडियो देखो, शेयर करो, उन चीजों से देखिए कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ पे व्यूज आने से हमें कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्जेस नहीं मिला। यूट्यूब का कभी भी सर्च कर लेना, यूट्यूब से कितनी किसको अर्निंग होती है, यहाँ पे अर्निंग का कोई सोर्सेज नहीं है। और ना ही हम चाहते कि यहाँ पे आपको फालतू में एक तरह से कि गलत रास्ता दिखाया जाए, आपको जो सही है ना प्रैक्टिकली पॉसिबल है चीजें वही बताने की कोशिश की जा रही है। तो इंप्लीमेंट करोगे तो सक्सेस मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि फालतू की बकवास हो रही है तो बेशक आप इंप्लीमेंट मत कीजिए और अपने अकॉर्डिंग कीजिए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करते रहना, बाकी जो आपको डाउट है पूछते रहिए करो कमेंट सेक्शन में। और आपसे बहुत बार भी कह चुका हूं कि तैयारी अच्छे से कर लो, टाइम है, सफिशियंट है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, 6 महीने भी नहीं लगेंगे आपको एसबीआई पीओ बनते हुए। सिर्फ 6 महीने की तैयारी है, लाइफ पूरी लाइफ सेट हो जाएगी आपकी, आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं होगी। चलिए सेशन को एंड करेंगे, काफी टाइम लगा दिया यहाँ पे आपको। एट द एंड में अगर कोई भी डाउट हो पूछते रहना, क्वेश्चन नंबर 5th और 10th का भी आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड।